खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हो रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछले एक साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा है कि एक साल के लिए लिए गए फैसले और बड़े सपनों की अगर बात करें तो उसको भी उन्होंने लिखा है इस पत्र में। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा कि आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का ये दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति अपनी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। उन्होंने लिखा कि अगर सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में मैं इस पत्र के जरिए आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि 2014 में देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था, देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 सालों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने लिखा, हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर और घर बनवाकर गरीब की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने आगे लिखा, उस कार्यकाल में जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया है। पहला कार्यकाल अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। तो पीएम मोदी का जनता के नाम पत्र, एक साल में लिए गए बड़े सपनों के फैसले भी उन्होंने इसमें गिनवाए हैं, और साथ ही 2019 में आपका आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, पीएम मोदी ने ये कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ आगे भारत बढ़ रहा है। तो ये अहम बातें प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखी हैं, और साथ ही देश को ये पत्र समर्पित किया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आज दिन है, उसे मनाया जा रहा है। आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।